प्रेगनेंसी, बेबी केयर और पेरेंटिंग रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल इंडियन बेबीज अनबॉक्स को हमारे वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस का कोई भी अपडेट आप मिस ना कर दें और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मोदक तो आपने कई तरीके के खाए होंगे, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने बच्चे को एक डिलीशियस फ्रूटी चॉकलेटी मोदक बना के खिला सकते हैं? आइए देखते हैं कि आपको कैसे बनाना है। मोदक की आउटर लेयर बनाने के लिए हमें चाहिए एक बनाना, कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो आप घर पे तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करना बहुत ही आसान है, 3 मिनट में तैयार हो जाता है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी रेसिपी देख सकते हैं। और हमें चाहिए 1 कप चावल का आटा। आप चावल का आटा घर पे भी बना सकते हैं, स्टोर बॉट भी ले सकते हैं। फिलिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 1/2 नारियल की, 20 से 25 पिस्ता, 1 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स, 1 टेबलस्पून वाटरमेलन के सीड्स, 20 से 25 किशमिश, 20 से 25 बादाम, 1/2 कप डेट्स का सिरप। डेट्स का सिरप भी ये घर पे तैयार किया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं डेट्स सिरप बनाने की रेसिपी। और हमें ज़रूरत पड़ेगी 20 से 25 काजू की, 4 से 5 इलायची और केसर की हम 4 से 5 स्ट्रैंड यूज़ करेंगे। और हमें चाहिए एक जायफल जिसको हम ग्रेट कर लेंगे बाद में, लगभग 1/2 जायफल हम ग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम एक बनाना को बोल में लेके हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद 1 कप जो चावल का आटा है उसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के लगभग कंडेंस्ड मिल्क और अच्छे से इसका डो बना लेंगे। आप चाहें तो घी या बटर यूज़ करके अच्छे से इसका एक फर्म डो तैयार कर लें। कुछ इस तरीके से आपका डो बनके तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं फिलिंग बनाने की ओर। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम बादाम को मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। जब बादाम अच्छे से भून जाएं तो इनको अलग निकाल के ठंडा कर लेंगे। सिमिलरली हम काजू को रोस्ट करेंगे। काजू को भी आपको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है और जब रोस्ट हो जाएं तो इन्हें अलग निकाल के ठंडा कर लें। अब हम अपने जो मगज हैं, पम्पकिन के सीड्स और वाटरमेलन के सीड्स, इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे। अच्छे से जब क्रैकल होके फूटने लग जाएं, जंप करने लग जाएं, उस टाइम पे आप इनको भी अलग निकाल के ठंडा कर लें। अब पैन में हम पिस्ता डालेंगे। पिस्ते को भी हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे और इनको भी अलग निकाल लेंगे। और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं इलायची। इलायची के अंदर से जब एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस रिलीज़ होने लग जाए और जब इसका कलर थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसको अलग निकाल लीजिए। इसके बाद हम पैन की जो हीट है यानी गैस है जो, उसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद हम केसर के स्ट्रैंड्स ऐड करेंगे और केसर को पैन की हीट में ही भून लेंगे। अब हम एक तड़का पैन के अंदर 2 टीस्पून घी जो है उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म होने के बाद इसके अंदर हम किशमिश ऐड कर लेंगे और किशमिश को हमें तब तक अच्छे से इस तरीके से फ्राई करना है जब तक कि सारी किशमिश अच्छे से फूल नहीं जाती। इसके बाद हम नारियल को एक ग्राइंडिंग बोल के अंदर डाल लेंगे और अच्छे से इसको 2-3 बार इंचर मोड पे चलाएंगे ताकि अच्छे से ग्रेट हो जाए। और इसके बाद हम हमारे जो ड्राई फ्रूट्स जिन्होंने हमने रखा है ठंडा होने के लिए, उनको हम ग्राइंडिंग बोल में ले लेंगे और जायफल को ग्रेटर की सहायता से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। जब हमारा 1/2 जायफल ग्रेट हो जाए उसके बाद हम लिड लगा के अच्छे से इनको पल्स मोड के अंदर ग्राइंड करेंगे ताकि हमें अच्छा सा एक पाउडर फॉर्म मिल जाए। देखिए कैसे सारे ड्राई फ्रूट्स एकदम पाउडरी फॉर्म में आ गए हैं। अब हम एक कढ़ाई के अंदर 2 टीस्पून घी ले लेंगे और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम नारियल ऐड कर लेंगे जो हमने कद्दूकस किया है। इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि ये सुनहरा नहीं हो जाता। जब ये हल्का सुनहरा हो जाएगा तब हम इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट का पाउडर तैयार किया है उसको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और करीब 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये दोनों मिक्सचर आपस में अच्छे से मिल जाएँ तब हम जो हमारा 1/2 कप डेट्स का सिरप है उसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छे से चलाना शुरू करेंगे। जब आप डेट्स का सिरप इसके अंदर ऐड करें तो ध्यान रखें आप लगातार चलाएं और फ्लेम जो है वो मीडियम आंच पे हो, वरना डेट्स का सिरप जल जाएगा। जैसे जैसे आप इसको फ्राई करते जाएंगे वैसे वैसे मिक्सचर पैन छोड़ने लगेगा और पैन छोड़ते छोड़ते आपस में अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से।
अब हम हाथों को अच्छे से वॉश करके घी या बटर से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा जो हमारा डो है उसको हम निकाल लेंगे और अच्छे से इसका एक बॉल बना लेंगे। बॉल बनाने के बाद इसको फ्लैटन करेंगे, जस्ट लाइक जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसे ही, और अच्छे से इसको बीच बीच में घी या बटर से ग्रीस करते हुए हम इसको फ्लैट करना शुरू करेंगे। और ऐसे आपको लगातार इसके एजेस को फ्लैट करना है। फ्लैट करने के बाद आप इसको अच्छे से दोबारा से ग्रीस कर लें घी या बटर से, और उसके बाद जो हमारी फिलिंग है उसका एक छोटा सा पोर्शन ले लें और उसको भी अच्छे से बॉल की शेप दे दें। जब ये अच्छे से बॉल की शेप में आ जाए तो इसको आप जो हमारे मोदक का डो है उसके अंदर प्लेस कर दें और इस तरीके से डेंट्स क्रिएट करें ताकि एक अच्छे से मोदक की शेप मिल जाए। और उसके बाद ये जो सारे हमारे कॉर्नर्स हैं इनको आपको इकट्ठा करके अच्छे से मोदक की शेप दे देनी है, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए हमारा सुंदर सा मोदक बनके बिल्कुल तैयार है, जो बिल्कुल हेल्दी है। अब हम इस तरीके से अपने सारे डो का मोदक तैयार कर लेंगे और ये हमारे सारे जो मोदक हैं वो रेडी हो गए हैं। मोदक के अंदर चावल का आटा मिला हुआ है तो हमें इसे स्टीम करना है, लेकिन स्टीम करने के बाद चूंकि ये हार्ड हो जाएगा तो आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट करने की जगह नहीं होगी, इसलिए हम आइसक्रीम के स्टिक से पहले से इसके अंदर होल क्रिएट करेंगे। इस तरीके से आपको केयरफुली अंदर इंसर्ट करना है और बाहर निकालना है, और इस तरीके से सभी मोदक के अंदर आप होल बना लें। और अब हम चलते हैं स्टीमिंग सेक्शन की, और सारे मोदक को हम स्टीमर में डाल के अच्छे से 5 से 10 मिनट स्टीम करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से ये फर्म हो गए, इनका कलर भी चेंज हो गया पर होल एकदम इंटैक्ट है आइसक्रीम स्टिक्स को इंसर्ट करने के लिए। अब इसको हम पंखे के अंदर आधे घंटे के लिए ठंडा करके फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए रख देंगे। वाइल में हम हमारे चॉकलेट को डबल बॉयलर टेक्निक से अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, और जब 1 घंटे बाद हम इसे रेफ्रिजरेटर से निकालेंगे तो उसके अंदर आइसक्रीम की स्टिक को इस तरीके से इंसर्ट करके चॉकलेट के अंदर जब आप डिप करेंगे तो चॉकलेट अपने आप सॉलिडिफाई होने लग जाएगा इसके ऊपर, और आपकी आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो हमारी फ्रूटी चॉकलेटी मोदक आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे बच्चे को खिलाइए और उसे एंजॉय कराइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब।